बिहार बोर्ड क्लास 11th के परीक्षार्थी के लिए जो आपका वार्षिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है मार्च महीने में, तो मार्च महीने वाला महीना का जो आपका इंटर का जो अर्थात की आंतरिक परीक्षा होगा 2024 के, अगर आप एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं 12th का, तो आपका 11th का एग्जाम 2024 में होगा। तो इसके लिए मैं आपका यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हो, आपका मैं हिंदी का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने अपलोड कर दिया हूँ। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आपका हिंदी का एग्जाम से पहले एक दिन, तो इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको हिंदी के एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। आपके लिए अगर आप क्लास 11 के परीक्षार्थी है और आप 2024 में अर्थात कि आपका जो कुछ दिन के बाद आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका एग्जाम होगा, अर्थात कि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वार्षिक परीक्षा आपका एग्जाम होगा जो कि आपका 13 मार्च से आपका शुरू हो गई है। तो जिसमें आपको पूरे प्रश्न का आपके लिए यहां पर जितना भी आपको देखा जितना भी आपको प्रश्न दिया जाता है बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहां पर देखिए इंटरनल एग्जाम होगा यहां की, अर्थात कि इसे हिंदी में अगर आप आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लास 11th के परीक्षार्थी होंगे और 2025 में वो 12th के एग्जाम देंगे, तो वो आपके लिए हिंदी का जो आपका आंतरिक परीक्षा अर्थात कि इंटरनल एग्जाम का मैं पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो जरूर इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्यों ऐसे प्रश्न छूटेंगे? क्योंकि मैंने जितना भी प्रश्न आपके सामने आया यह बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने, जिसे आप साधारण भाषा में बोलते हैं लीक पेपर। आप सबके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से अगर आप ज्वाइन कर लेते तो आपके पास जितना भी आपका पेपर आएगा उसके साथ साथ जो भी आपका इंटरनल एग्जाम का जो आप जानते हैं कि आपका वायरल पेपर मेरे पास आ चुका है, तो सभी पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का उत्तर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का उत्तर आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इजली वेबसाइट से। चलिए सबसे पहले आप यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर आपका जो समय दिया जाएगा आपका इंटरनल एग्जाम अर्थात कि जो आपका 2024 में जो आपका आंतरिक परीक्षा होगा क्लास 11th के परीक्षार्थी का, चाहे आप आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, सभी के लिए एक ही विषय होता है हिंदी में। अगर आप जानते हैं क्लास 11th के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी का आपका एक सब्जेक्ट होता है, हिंदी में आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों का एक ही आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें आपको घबराने की बात नहीं, पूरे प्रश्न को देख कर जाइए, पूरे प्रश्न आपको आ जाएंगे। क्योंकि आपको यहां पर देखिए इस बार आपका जो भी आपका साइट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको हिंदी में 100 मार्क का होता है, तो अपने उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जारी नहीं होता है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई भी फेल पास नहीं होता है, इसीलिए आपको थोड़ा ही प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका टेस्ट एग्जाम के लेवल पर है, तो आपको पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पर क्लियर समझते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए, आंतरिक परीक्षा अर्थात कि इंटरनल एग्जाम होने जा रहा है आपका क्लास 11th के परीक्षार्थियों का, जो कि 13 मार्च से आपका शुरू होने जा रहा है। यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं आपका 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको कितना ऑब्जेक्टिव, तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ओएमआर शीट दिया जाएगा, यह बिल्कुल आपका जो बोले फाइनल एग्जाम की तरह ही आपको यह आपका क्लास 11th का जो आप फाइनल एग्जाम बनते हैं, फाइनल एग्जाम जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है उसका ही यहां पर आपको दिया गया है 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर आना है, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ओएमआर शीट को आपको जो कि आपका गोला को आपको क्या करना है, तो नीले पेन से ही आपको भरना है। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, पूरे प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, आपके लिए बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे आपके आपके एग्जाम में वार्षिक परीक्षा का। मेरे पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया हूं आपके लिए, पूरे प्रश्न को देखकर जाइए। महादेवी वर्मा का किस वादा से संबंध है, तो जल्दी इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका छायावाद, कहां है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपसे, गोरा किसका नाम था, तो गोरा एक बछिया का नाम था, बछिया कहां है ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न क्या है, गोरा किसके घर आई थी, बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर वो आई थी अपनी बहन के घर, अगर आप हिंदी बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। चार नंबर प्रश्न क्या है आपसे, मंगल पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको घबराने की बात नहीं। चार नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि इसका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, कहां है ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न क्या है आपसे, मंगर की पत्नी का नाम था, तो मंगर का पत्नी का नाम क्या था, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर देखिए वैजयंती था ना, वैजयंती ना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आपको जल्दी से आपको उत्तर याद कर लेना, आपके एग्जाम में आने जा रहा है। चलिए मंगर किस रंग का था, तो मंगर किस रंग का था, बिल्कुल सही, छठा नंबर प्रश्न का उत्तर यह है आपका यत्कंठ था, तो वह भोकलिए था ना, तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे मंगर के। अगला प्रश्न सात नंबर, पांच परमेश्वर पाठ कौन सी विधा है, बिल्कुल सही, सात नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यह था आपका यहां पर देखिए बिल्कुल कहानी है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पूरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, आपको घबराने की बात नहीं, सभी प्रश्न को देख कर जाइए, आपका जो आपका 13 मार्च से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है आपका हिंदी का एक भी प्रश्न
प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, चाहे अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स लिए होंगे किसी भी स्ट्रीम से, बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप प्रश्न देखकर ही आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आठवां प्रश्न क्या कर आपसे, अलगु चौधरी के गुरु का नाम था, बिल्कुल सही आठवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की जुमारती। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र का की कवि की कहानी है, बिल्कुल सही नौवां प्रश्न का उत्तर, जल्द इसका उत्तर याद कर लेंगे आरंभ की अर्थात की ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल सही दसवां प्रश्न का उत्तर आपको याद कर लेना है सिपाही सीतापुर, सीतापुर में कहाँ है तो ऑप्शन सी पर। देखिए अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आपका क्लास 11 का यहाँ पर इंटरनल एग्जाम हिंदी का यहाँ पर पेपर है, आपको घबराने की बात नहीं है, पूरे प्रश्न को देखकर जाइए बिल्कुल वो प्रश्न पत्र मैच करेंगे। चलिए प्रश्न क्या कर, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपका और भी पेपर है जो कि आपका इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर, सभी विषय का पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपको घबराने की बात नहीं। क्लास 11 में जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर बिल्कुल हुआ ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न क्या कर आपसे, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल सही 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अर्थात की 1917 ईस्वी में हुआ था ना। चलिए यहाँ पर 1917 नहीं, इसका 1907 में हुआ था, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, 1907 में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, रविंद्रनाथ ठाकुर किस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही इसका 12वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गीतांजलि पर ना, तो गीतांजलि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। रविंद्र ठाकुर किस विश्वविद्यालय का स्थापना की, बिल्कुल सही 13वां प्रश्न का उत्तर याद करके जाएंगे, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है आपका शांति निकेतन, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे, सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है आपका इंटरनल एग्जाम क्लास 11 का, जो आपका फाइनल परीक्षा होगा 13 मार्च से जो आपका शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आपका हिंदी का पेपर वायरल हो चुका है जो कि मेरे पास आ चुका है, तो इसीलिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पर देख कर जाएंगे, तो इससे कोई भी आपको परीक्षार्थी फेल पास नहीं होते हैं, आपका कॉपी वगैरह इसमें चेक नहीं होते, इस पूरे प्रश्न का अगर आप उत्तर सही सही मार कर आते हैं तो आप यहाँ पर खुद यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही सही बताया जाएगा, पूरे प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जिसे आप वायरल पेपर के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, रविंद्र ठाकुर यहाँ हो गया था, 14वां प्रश्न है रवि कवि कबीर चलिए कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर का निबंध के लेखक है, बिल्कुल सही इसका उत्तर 14वां प्रश्न का उत्तर देंगे, तो कबीर कविवर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा आपसे, कविवर है, देखिए कविवर रविंद्र नाथ ठाकुर का निबंध का लेखक है, तो 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्थात की ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, हरिवंश परसाई का किस राज्य से संबंध था, बिल्कुल सही 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, यहाँ पर देखिए नई प्रश्न नहीं बुझा रहा, आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है आपके पैराम खान किसके पिता थे, बिल्कुल सही 16वां प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की रहीम के। अगला प्रश्न क्या कर रहीम का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 17वां प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, जीवन संदेश का कविता के कवि है, बिल्कुल सही 18वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम नरे यहाँ पर नाम यहाँ पर देखिए प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी, कहाँ है राम नरेश त्रिपाठी, तो ऑप्शन सी पर है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूरे प्रश्न आ जाएंगे, प्रश्न है आपके हिमालय का संदेशा कविता के लेखक है, बिल्कुल सही आपका 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात की आरसी प्रसाद सिंह, कहाँ है ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल सही आपका 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न आपके पास आ चुका है, 21वां प्रश्न क्या है, सुमित्रानंद पंत का किस वादा के कवि थे, बिल्कुल सही इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी अर्थात की बिहार का। अगला यहाँ पर देखिए यहाँ पर वादा किस वादा था, छायावाद ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, रामधारी सिंह दिनकर निम्नलिखित में किस राज्य से संबंध थे, तो 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिहार का। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल सही 23वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, कहाँ है ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको याद कर लेना है, पूरे प्रश्न आपको आने जा रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है, आपका 13 मार्च से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, 13 मार्च से अगर आप कोई भी आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, साइंस लिए, तीनों परीक्षार्थी के लिए हिंदी का समान पेपर है, या पूरे प्रश्न का उत्तर आपको याद करके जाना है, पूरे प्रश्न आपके लिए वायरल पेपर है। जीवन के निर्झर किसे कहा, तो बिल्कुल सही 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपको याद कर लेना है सर जी, आपका दरभंगा में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह दरभंगा में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, 26वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं, 26वां प्रश्न सुंदरवन
सुंदरवन कहीं सुंदर है, तो इसका इसमें क्या भराएगा, सुंदरवन कहीं सुंदर है तो बिल्कुल सही, यह हो जाएगा आपका एक कविता है। कहाँ अगला प्रश्न क्या है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है सर, बिल्कुल सही 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है द्विगु समास। अगला प्रश्न, माता पिता किस समास का उदाहरण सर, 28वां प्रश्न का उत्तर याद करके जाएंगे, पूरे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, बिल्कुल सही इसका उत्तर आपका द्विगु समास है। यह देखिए आपका इंटरनल एग्जाम, अगर आप 2025 में अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2024 में जो आपका क्लास 11th का फाइनल एग्जाम होगा जिसे आप वार्षिक परीक्षा बोलते हैं वो 13 मार्च से आपका शुरुआत होने जा रहा है, तो सभी प्रश्न का आपको उत्तर याद करके जाना है, पूरे प्रश्न आने जा रहा है। 28वां प्रश्न, माता पिता किस समास का उदाहरण है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे जल्दी से, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद समास। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रीमती। अगला प्रश्न क्या है, वीर शब्द में विलोम रूप होगा सर, 30वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कायर। अगला प्रश्न, विद्या की विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय सर कहां है सर, ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न, गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर, तो ऑप्शन यहां पर देखिए आपके सामने 32वां प्रश्न का उत्तर आपका गण जोड़ ईस होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको याद कर लेंगे, पूरे प्रश्न आने जा रहा है, बिल्कुल हो प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 33वां प्रश्न, माननीय शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आपको 33वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म देने वाला, यहाँ जन्म देने वाली ऑप्शन जननी शब्द का शुद्ध अर्थ, बिल्कुल सही जननी शब्द होगा। यहाँ पर देखिए पीडीएफ का क्वालिटी आपको नहीं बुझा तो 360 पेपर कर लीजिएगा, जननी शब्द का सही अर्थ होता है आपका जन्म देने वाली, कहाँ है तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पूरे आपको 360 पेपर कर लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ का क्वालिटी जरा आपको हाई कर लेना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं ठीक से दिखा पा रहा है, आपको घबराने की बात नहीं, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको सही बताया जाएगा। नाक शब्द है तो 35वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध है कौन सा, तो 31वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है सर, हिमा जोड़ आलय, कहाँ है, ऑप्शन बी पर। जाति शब्द का विशेषण रूप होगा तो 38वां प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे जातिया, जातिया ना तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, आकाश शब्द का सही विशेषण रूप है, तो आकाश शब्द का विशेषण रूप जैसे ही पूछेगा तो आकाशीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कर, सजीव शब्द का विलोम रूप होगा, तो 40वां प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, एग्जाम में आने वाला है निर्जीव हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं, आपका इंटरनल एग्जाम क्लास 11th का एग्जाम का यह बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल हुबहू प्रश्न पत्र मैच करेंगे। चलिए 41वां प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, अग्र शब्द का विलोम रूप होगा सर, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 42वां प्रश्न, लूट शब्द का विशेषण रूप है सर, 42वां प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, पूरे एग्जाम में आने वाले लुटेरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 43वां प्रश्न, निश्चर का सही अर्थ क्या होता है सर, तो 43वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रात में विचारने करने वाला होता है, रात के विचार करने वाला अर्थात कि निश्चर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आपको 44वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं, शीर्षक का अर्थ होता है सर, 44वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बगल में दिए जाने वाला नाम, कहाँ है तो ऑप्शन सी पर। क्रिया कितने भेद होते हैं, तो बउआ भी जानता है सर आपका क्रिया के दो भेद होते हैं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, काल कितने प्रकार के होते हैं सर, तो 46वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है सर, खुशियां मनाना होता है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9-2-11 होना मुहावरा का सही अर्थ सर, भाग जाना होता है। काफी इजी प्रश्न पूछा गया आपके इंटरनल एग्जाम में, जो कि 13 मार्च से आपका एग्जाम शुरुआत होने जा रहा है, पूरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, आपको घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपके। चलिए प्रश्न पूरे मैच कर जाएंगे आप एग्जाम में जाएंगे तो। चलिए चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची रूप में निम्नलिखित में से कौन होगा पूछा जा रहा है, तो चंद्रमा शब्द का तो 49वां प्रश्न का उत्तर आपको मैच करेंगे जल्दी से, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात कि सस्सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची रूप होगा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची रूप, तो चलिए 50वां प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, इसका हो जाएगा आपका वाणी आपके ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, निम्नलिखित में कवियों में किन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, तो 51वां आपको 85 प्रश्न का उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर भरना है, लेकिन आपको 7 प्रश्न दिया गया, लेकिन 7 का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, जो भी प्रश्न आपको इजी लगे, जो भी प्रश्न आपको मैच करे, सभी प्रश्न का उत्तर आपको मैच कर लेना। चलिए 51वां प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कवियों में किन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, तो बिल्कुल सही 51वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहां पर महादेवी वर्मा ऑप्शन सी होगा 51वां प्रश्न का। मिथिली यहां पर देखिए मिथिलीशरण गुप्ता के अतिरिक्त राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 52वां प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको जरूर बताना है इसका उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, खेत रहना मुहावरा का सही अर्थ होता है, 53वां प्रश्न का उत्तर आपको याद करना है, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सर अर्थात की लड़ाई में मर जाना। अगला प्रश्न क्या कर आपसे,
आपको 54 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, पूरा यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे। आपके इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। गोरे रेखा चित्र के अंत हुआ है तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। आने वाले प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे सर सुखपूर्वक हो या दुखपूर्वक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेगा इस प्रश्न पर डॉट चल रहा है, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्रता कैसी रचना है, तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, दशानन किस समास का उदाहरण सर, दशानन किस समास का, तो बुआ भी जानता है सर, दस आनंद है जिसका, अर्थात की सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, सिल्ली का सही अर्थ है, तो बिल्कुल सही, 57 नंबर प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, ऑप्शन बी जल होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संभावना का संधि विच्छेद होगा, संभावना सम जोर भावना सर जी, ऑप्शन इसका 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, सम ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझोर भावना सी ऑप्शन, समझोर भावना होता है ऑप्शन यहाँ पर। अगला प्रश्न का 59 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जल्दी देखेंगे, आगे आपको सिखा दूंगा सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे आप डाउनलोड करेंगे। टेबल शब्द का हिंदी रूप क्या होगा, तो 59 नंबर प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर, जल्दी से पहनने वाले शर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है सर, बिल्कुल सही, कमीज कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अभी के इस वीडियो में आपका मैं हिंदी का जो भी आपका इंटरनल एग्जाम हो रहा था, तो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, हिंदी का मैंने आपको पूरे प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आया जाएगा, पूरे 7 तक का प्रश्न का उत्तर आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यहाँ पर जल्दी आपके लिए सब्जेक्टिव का वीडियो लाया जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको हिंदी में आपका आंतरिक परीक्षा होता है और वही पर आपका आपको फिजिक्स मिलेगा, चाहे आपको केमिस्ट्री का पेपर मिला हो, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर इंटरनल एग्जाम होता है। तो यह इंटरनल एग्जाम होता है जिसे वार्षिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, वार्षिक परीक्षा भी इसे आप कह सकते हैं। तो इसीलिए आप मैं पूरे प्रश्न का उत्तर बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और पूरे प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना है, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हो या पेपर वगैरह सब सभी मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।